market structure and this concentration on the basis of these three characteristics. आपको जहां समझ नहीं आए वहां पे मैसेज कर देना, मैं बार बार अभी कंफर्म करने के लिए वेट नहीं करूंगी. सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ रिलेशनशिप कि हम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे ये तीन कॉम्पोनेंट्स हैं इसके बेसिस पे हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक लिंक डेवलप करने की कोशिश करेंगे. सो येस्टरडे इन ऑर्डर टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ फर्म्स एंड कॉन्सेंट्रेशन वी यूज्ड फ्यू इक्वेशंस. Those equations were, first we said that a cost function is given as F plus CQI, and then we said that a quantity inverse demand function is given, that is A minus PS. And using these two equations, we derived the profit level of each firm, as we have taken the assumption that the firm size is completely equal, which means that profit will be equal to zero. So humne yahan pe iska profit derive kiya tha. Yuvraj ne kal jo paper share kiya hai wahan pe unhone derive kiya hai ki ye profit humne kaise find out kiya hai. Agar problem ho bata dena, hum isko discuss kar lenge. And then finally we derived that in a situation where where the size of firm is equal, the equilibrium number of firms will be equal to A minus C under root S by F minus F minus 1. So this is what we discussed yesterday. I think this was minus 1 only. So this is, guys, can you confirm, was this minus 1? मैंने derive नहीं किया है तो मुझे exactly याद नहीं है, रटा नहीं हुआ, so I cannot say. मेरे को check करना पड़ेगा what was that. Yes, this is minus 1. So ये तीन इक्वेशंस क्लियर हैं हम लोगों को, ये तीन इक्वेशंस क्लियर हैं जो हमने कल डिस्कस की थी. यस, ओनली भव्या रिप्लाइड यस. सार्थक, युवराज, साक्षी, कुणाल, अगर आपने अटेंड किया था तो क्या ये तीन इक्वेशंस ओके. सो देन वी से दैट फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस लास्ट इक्वेशन वी कैन कंफर्म दैट if the size increases, this S increases, then equilibrium number of firms also increases. And when the number of firms increases, there will be a decline in the concentration. And we will be moving towards a more competitive market. तो अभी तक जो हम चीज थ्योरेटिकली डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि जब हमारा नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होता है उस टाइम पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है, उसको हमने इक्वेशंस के थ्रू, जो नॉर्मल इक्वेशंस होती है उन इक्वेशंस के थ्रू हमने ये चीज प्रूव करती है दैट येस, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस. Now coming on this second part, that is firm size inequality ya market size ki agar hum baat kare to. So in this case, as we can see over here, as you can see that this N, number of firms, and this S, market size, although they have, so we say that N and S, although they have an increasing, ek second main isko green se likhna chahti hu so that it is easier for us. So we say that N and S, although they have an increasing relation with each other, such that when S increases, N also increases, but this relation is not proportional. क्योंकि हमारा, अगर हमें नंबर ऑफ फर्म्स को टू टाइम्स इंक्रीज करना है तो हमें मार्केट साइज को फोर टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा. इसका रीजन हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी हमारा मार्केट साइज इंक्रीज होता है तो हमारा ज्यादा फर्म्स एंटर होती हैं मार्केट में, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से प्राइस रिड्यूस हो जाता है. एंड व्हेन प्राइस रिड्यूसेस देयर विल बी फ्यू फर्म्स विच विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट इन द मार्केट. तो हमने ये बोला है दैट येस, ऑल्दो द साइज, द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज एंड द नंबर ऑफ फर्म्स इज इंक्रीजिंग, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, बट इट इज नॉट प्रपोर्शनल. गाइज, इज द सेकेंड पॉइंट क्लियर? इज द सेकेंड पॉइंट क्लियर दैट इट इज नॉट अ प्रपोर्शनल रिलेशनशिप एंड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स व्हेन द मार्केट साइज विल इंक्रीज.
आई होप दिस इज क्लियर. अब जो हमारा इस इक्वेशन के अंदर जो ये इक्वेशन हमने अभी डिराइव किया है, इसमें हमारे दो कॉम्पोनेंट्स और हैं. वो कॉम्पोनेंट्स हैं हम लोगों के, अपार्ट फ्रॉम दिस एस वी हैव एफ, एफ वेयर इन दिस एफ इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सी इज द वेरिएबल कॉस्ट. इसका मतलब हम कॉस्ट के बेसिस पे भी डिराइव कर सकते हैं कि हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए. कॉस्ट मतलब मिनिमम एफिशिएंट स्केल. तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं. फर्स्ट इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड सेकेंड इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल. कोफिशियंट ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल के लेफ्ट साइड ऑपरेट कर रहे हैं. मैं यहाँ पे अभी somebody is trying to enter. Ayushi. Hi Ayushi, you are late. I don't know how much you will understand. You are free to attend the next tutorial also, but you will be getting attendance only for one tutorial. So, guys, coming back to this topic. So, increasing returns to scale means that I'll draw this diagram again. हमारा अगर मिनिमम एफिशिएंट स्केल इस ई पॉइंट पे हो रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब हम इसके लेफ्ट साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं. सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मींस, अगेन आई वांट टू यूज ग्रीन पेन, प्लीज वेट. यस, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दिस मींस दैट वी आर ऑपरेटिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एमईएस. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एमईएस मतलब हम लोग डिक्रीजिंग कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं कि जब हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए. मतलब हम अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. अब हमें ये देखना है कि सपोज हम इस ए पॉइंट पे हैं तो हम लोग कितना दूर हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल या ऑप्टिमल प्रोडक्शन से या मिनिमम कॉस्ट से. तो इसके लिए हमने बोला कि हम एसी डिराइव करेंगे और इस एसी को हम इक्वेट करेंगे टू दी मिनिमम कॉस्ट. सपोज दिस मिनिमम कॉस्ट इज सी डैश. सपोज दिस मिनिमम कॉस्ट इज कमिंग आउट टू बी, से दिस इज सी डैश ओवर हेयर. और ये जो हमने एसी है, इस एसी को हमने कल डिराइव किया था. आप लोगों के पास नोट्स होंगे, आप उसमें नोट्स में देख सकते हो. और इफ यू वॉन्ट मैं ये इक्वेशन लिख दूंगी, मुझे बता देना, बट फर्स्ट आई विल जस्ट डिस्कस दिस कंसेप्ट. तो अगर हमारा ये एसी ग्रेटर है सी डैश से, मतलब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन एल ए सी एंड सी डैश, इसका मतलब हम हायर डिग्री ऑफ एम ई एस पे ऑपरेट कर रहे हैं. हम दूर हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल से, ऑप्टिमल प्रोडक्शन से. जितना ज्यादा हम दूर होंगे, जितना ज्यादा हम इस लेफ्ट वर्ड पे ऑपरेट करेंगे, मार्केट उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होएगी. मोर कॉन्सेंट्रेटेड द मार्केट विल बी, विच मीन्स हायर द मिनिमम एफिशिएंट स्केल, हायर द डिग्री ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल, मोर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन इन द मार्केट. कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड. So more will be the concentration in the market. Guys, is this relationship clear between MES and concentration? Do you want me to discuss this average cost equation? कल हमने discuss कर लिया था, जहाँ पे हमने ये average cost निकाला था. Q is equal to F divided by I think C minus C dash ही आया था शायद. Okay, Kunal has replied. Guys, others also, are we clear with this IRS? The relationship between MES and concentration, are we clear with it? Sarthak, Bhavya, Yuvraj. मैं ये पूरा पेज डिस्प्ले कर दूंगी, पूरा पेज डिस्प्ले कर दूंगी. आप लोग ले लेना टाइम लिखने के लिए. एक बार बस कंफर्म कर दो कि ये क्लियर है. युवराज, आर यू देयर? ओके. अब जो हमने सेकंड केस डिस्कस करना है, वो सेकंड केस हमने कल डिस्कस नहीं किया था. तो एक तो तरीका होता है ये जानने का कि हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा या कैसा नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. सेकंड मेथड टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मिनिमम एफिशिएंट स्केल एंड कॉन्सेंट्रेशन इज टू यूज दिस कोफिशिएंट ऑफ एमईएस. कोफिशिएंट ऑफ एमईएस को हम रो से डिनोट करते हैं. अब हमको ये पता है कि अगर हमारा
परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट होता है, तो ये जो हमारा मिनिमम एफिशिएंट स्केल है यहाँ से ऐसे एमसी क्रॉस करता है। मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे एमसी हमारा एलएसी के इक्वल होता है, सो वी कैन से दैट कोफिशियंट ऑफ एमसी इज एक्चुअली कोफिशियंट ऑफ एमसी इज एसी डिवाइडेड बाय एमसी such that it is equal to 1 in the case of perfectly competitive market. So perfectly competitive market mein average cost will be equal to marginal cost and we will be producing at the minimum cost possible. However, ye suppose first case hai. Second case, if this rho which is equal to AC by MC is greater than 1, it means that average cost is greater than marginal cost. And if average cost is greater than marginal cost, then we are actually operating on the left-hand side of the minimum efficient scale production, which means that we are operating at the increasing returns to scale. That is, we are operating at a higher degree of MES, which means that if this coefficient is greater than 1, then the market will be more concentrated. The market will be more concentrated. Now consider a third case, that is rho equal to AC divided by MC. If this is less than 1, then AC is less than MC and we are operating at a decreasing returns to scale, that is we are operating at the right of MES, and which means ki hum log actually this economies of scale pe operate kar rahe hain, hume apna output reduce karna chahiye. So these are all the equations. I'm displaying this full page, aap logo ko note karna hai, aap kar lo. If you want me to repeat anything, let me know. I'll repeat. Then we'll move on to the PPT. आपको कुछ visible भी है? ये बहुत ज़्यादा मैंने छोटा लिख दिया क्योंकि मैं एक पेज में notes बनाना चाहती थी आपके लिए. Is it visible, guys? Are you able to make out what is written? It's okay. Okay, you can zoom in. Oh, that's great. अच्छा, zoom in का option भी होता है? मुझे तो नहीं पता था. So let me know when you are done. हम एक बार इसको वर्ड्स की फॉर्म में भी पीपीटी के थ्रू पढ़ लेंगे.
आयुषी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैंने अभी अभी अपलोड किया है कल का लेक्चर. और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अभी 35 मिनट्स हैं, 5 मिनट वो भी लेट स्टार्ट होएगा. सो यू हैव 40 मिनट्स इफ़ यू वुड लाइक टू गो. एक बार अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, एंड देन यू कैन अटेंड द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. सो आई हैव अपलोडेड इट राइट नाउ. नो प्रॉब्लम आयुषी. ओके आयुषी, बट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट, बिकॉज द नेक्स्ट चैप्टर इन दिस यूनिट डील्स विद फ्यू डायग्राम्स, एंड उसमें भी हम थोड़ा प्रॉफिट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इसमें हम बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग व्हाई प्रॉफिट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इक्वल टू जीरो एंड ऑल दोज थिंग्स. सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ देख लेना. ऑल्सो सिंस यू डिड नॉट कम यस्टरडे, मंडे विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ यूनिट 1, 2 and 5. And the marks will not be counted for your internal assessment. It will be just to check how much we are able to retain. Okay, others, please let me know when you are done writing. Done? Okay. All right. Sarthak and Kunal, are you done, guys? No problem, Sarthak. Take your time. Yeah. Yes, Kunal. Ma'am. Bolo, bachche. Kunal, kuch keh rahe ho? मंडे को यूनिट 1 एंड यूनिट 5 का टेस्ट है. यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5? मैम, एमसीक्यूज और एमसीक्यू? एमसीक्यूज, एमसीक्यूज. मैम, विल यू टेक अ सब्जेक्टिव टेस्ट? I'm not planning to take a subjective test in an online mode. I'm waiting for the colleges to reopen. In case if the colleges won't open, then I will have to take a subjective test also, but that will be towards the end of the semester, probably mid-October. That way, jab ye surety ho jayegi colleges nahi khulenge tab lungi main online subjective test. Kunal, unit 2 is also included. It is unit 1, unit 2 and unit 5. आप शायद रेगुलर नहीं हो, बट द पीपल हु आर रेगुलर और जिन्होंने रेगुलरली रिवीजन क्लासेस भी अटेंड की हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 अब उनके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. यूनिट 5 मैं नहीं बोलूंगी, उसका एक ही बार रिवीजन हुआ है, बट एटलीस्ट यूनिट 1 एंड यूनिट 2 शुड बी क्लियर टू ऑल नाउ. उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई डाउट किसी को भी होगा. सार्थक, आपने लिख लिया? कैन वी मूव ऑन टू पीपीटी? All right. Unit 5 here. All right, so this chapter is 14, that is entry cost, market structure and welfare. And as we have discussed that one of the लिमिटेशन, इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है जो भी आपकी रीडिंग में गिवन है. सो वन लिमिटेशन ऑफ द मॉडल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द फर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. तो अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, देन वॉट विल बी द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स. जो नंबर ऑफ फर्म्स अभी हमने डिराइव किया है, ये वही क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं. वॉट विल बी द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स गिवन अ फिक्स्ड कॉस्ट
and what will be the size of each firm. तो perfect competition actually ये बोलता है, perfect competition हमारा जो features पे based है वो ये बोलता है कि हमारा कितनी भी numbers exist कर सकती हैं और वो हमारा कि कोई भी size distribution होता हो सकता है till the time सारी firms जो हैं वो price taker हैं और price maker नहीं हैं. तो इस वजह से perfect competition ने कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स क्या होनी चाहिए या वहाँ पे साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए. उन्होंने बोला कोई भी साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो और कितने भी नंबर ऑफ फर्म्स हो सकती हैं टिल द टाइम एवरी फर्म इज अ प्राइस टेकर. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंट्री कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर. ये वाली चीज तो हमने एनालाइज कर ली है कैसे हमारा जो कॉस्ट है वो मार्केट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है. जैसे जितनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है उतना ही ज्यादा हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट होती है, मतलब हम लोग कॉम्पिटेटिव मार्केट से दूर होती है वो मार्केट, इट इज लेस देन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट. इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस कॉस्ट. And on Tuesday, we'll be discussing about free entry and social welfare. So in this chapter, we will focus on how technology and market size influences the firm size and the concentration. But first, we will consider a simple model that shows how the number of firm changes as a function of market size and the nature of production technology. तो अब हमने क्योंकि equations discuss कर ली हैं तो हमको ये पता है कि जब हमारा market size increase होएगा तो हमारा number of firms भी increase होएगा, but ये proportional relationship नहीं होती है, s के ऊपर root भी होता है. और nature of production technology मतलब कि अगर हमारी technology किसी एक particular firm के पास है तो फिर वो higher cost पे operate करेगी, IRS पे operate करेगी, higher degree of minimum efficient scale पे operate करेगी. इसका मतलब वो वाली इंडस्ट्री हमारी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी. ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं कल और आज रिवाइज की हैं. इसी को अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस एंट्री कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर. नाउ टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेक्नोलॉजी मार्केट साइज एंड इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन वी विल बिगिन बाय टेकिंग अ सिंपल मॉडल वेयर इन वी से दैट ऑल द फर्म्स आर ऑफ इक्वल साइज, दैट इज देयर आर एन फर्म्स एंड दे आर ऑफ इक्वल साइज. ऑल्सो सपोज दैट ईच फर्म हैज अ कॉस्ट फंक्शन विच इज गिवन बाय सी इक्वल टू एफ प्लस सी क्यू आई, वेयर दिस एफ इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड दिस सी इज वेरिएबल कॉस्ट. देन द डिमांड कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू ए माइनस पी एस. सो फ्रॉम दिस we can actually say that when we double the value of this s, matlab jab hamara market size increase hoga, then keeping the price level constant hamara quantity bhi increase hoegi. It can be shown that in equilibrium each firm's profit is given by this equation. ये इक्वेशन कल युवराज ने डिराइव की है, मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी को अगर प्रॉब्लम है उस डेरिवेशन में अगर आपने उसको गो थ्रू किया नहीं समझ आया तो बता देना. सो यूजिंग ऑल दिस वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन वेयर इन वी आर सेइंग दैट देयर इज एक्चुअली अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड द प्रॉफिट्स ऑल्सो. व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस देन द प्रॉफिट रिड्यूसेस. सो इसको आर वी क्लियर विद दिस स्लाइड. अभी तो आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, अभी तो आप लोग क्विकली रिप्लाई कर सकते हो. आर वी क्लियर विद दिस स्लाइड? Then I'll move on to the next slide. Okay, so now we are saying that a free entry equilibrium is that equilibrium जहां पे कोई भी ऐसी फर्म नहीं है जो मार्केट से बाहर जाना चाहती है और कोई भी ऐसी इनएक्टिव फर्म नहीं है जो मार्केट में एंटर होना चाहती है. परफेक्ट इक्विलिब्रियम हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है. सो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ये इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स एन हैट, ये कल मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, वेयर इन दिस एन हैट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज देयर इज नो एक्टिव फर्म विच विशेज टू एग्जिट एंड देयर इज नो एडिशनल फर्म. N plus 1 hat is less than equal to 0, that is there is no inactive firm which wish to enter the market. And when we are actually now deriving this profit, so this is coming to be this equation and the equilibrium number of firms in the market will be given when we will equate profit equal to 0. So we will get this N hat. हमें यही equation हमने derive की है. So this N hat
ये इक्वेशन कल प्रॉपरली डिराइव की थी, बुक्स के अंदर इसका डेरिवेशन नहीं है. सो एन हैट इज इट इज एक्चुअली सेइंग दैट व्हेन द मार्केट साइज इंक्रीजेज नंबर ऑफ फर्म्स आल्सो इंक्रीजेज, बट इट इज नॉट अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. And there is a negative relationship, that is when the fixed cost increases or when this variable cost increases, then the number of firms in the market reduces. क्योंकि अगर cost increase होती है, जैसा हमने discuss किया है, तो बहुत सारी firms होती हैं जो कि वो उस cost को afford नहीं कर पाती हैं, अपने आप को sustain नहीं कर पाती हैं market में और market से exit हो जाती हैं. N hat का मतलब भी मैंने आपको बताया था, it actually means that we are just taking the integer value. अगर हमारा N 32.4 आ रहा है, किसी भी फॉर्म को हम पॉइंट में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो एन हैट विल बी 32. आर वी क्लियर विद दिस स्लाइड? आर वी क्लियर विद दिस स्लाइड? अरे पांच ही तो लोग हैं, वो भी इतना लेजी हो रहे हैं रिप्लाई करने में. साक्षी, आर यू देयर? Okay, next, now we will define one by one the relationship between market size and concentration, and then we'll move on to the minimum efficient scale. So now this equation, इस equation को ही हम discuss करेंगे जो equilibrium number of firms है. We say that number of firms is an increasing function of market size, which is measured by S. And it is an inverse function of both fixed cost and variable cost. Now, none of this is surprising. Note, however, that the relation between market size and the equilibrium number of firms is not proportional. In fact, for higher values of this equilibrium number of firms, the relation between market size and n hat is approximately quadratic. Quadratic matlab, to duplicate the number of firms, market size must increase 4 times. Now, what explains this non-proportional relationship? Ye non-proportional relationship kyun exist karti hai? We say, if market size are constant with respect to the number of firms, then the relation between size and the number of firms would be proportional. So when we double the market size, we actually double the number of firms also. पर ये जब ही वैलिड है जब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा मार्केट प्राइस कॉन्स्टेंट है. However, एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकल टर्म्स में, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजेस द मार्केट बिकम्स मोर कॉम्पिटेटिव, एंड व्हेन द मार्केट बिकम्स मोर कॉम्पिटेटिव जो मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ मार्केट साइज वो भी रिड्यूस हो जाता है, एंड दिस इन टर्न लिमिट्स द नंबर ऑफ फर्म्स दैट अ मार्केट कैन सस्टेन. ये सारी चीजें कल मैंने आपको लिखवाई थी, पी माइनस सी रिड्यूसेस, वो सब लिखवाया कल. इज दिस स्लाइड क्लियर? Can we move on to the next slide? किसी को डाउट है किसी भी लाइन में तो, किसी भी बुलेट पॉइंट में तो पूछ लो. Then now we'll be discussing about minimum efficient scale and concentration. So one of the determinant of market structure is the firm's cost structure also. In particular, the fact that most firms have U-shaped average cost curve, this is an important determinant of market structure. Now, a firm which is operating on the left hand side of this U curve, that is, that firm is operating on the decreasing average cost, and it is said to operate under the increasing returns to scale. The model that we considered, where the cost is given by F plus CQ, is an extreme case wherein we are saying that average cost is always decreasing. अब हम ये क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन को लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हमने ये बोला है कि लर्निंग बाय डूइंग अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो कोई भी फर्म हमारा अपवर्ड स्लोपिंग एंड पे कभी भी, मतलब वो इस वाली रेंज में डिक्रीजिंग रिटर्न्स में कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी. तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया है दैट वी आर टेकिंग दिस एक्सट्रीम केस वेयर इन द एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज रिड्यूसिंग. Now, in order to measure this relationship between increasing returns to scale
and market structure, we first have to measure the degree of increasing returns to scale. Degree of increasing returns to scale matlab hum kahan pe operate kar rahe hain, A pe operate kar rahe hain, B pe operate kar rahe hain, C pe operate kar rahe hain, what is the degree of our increasing returns to scale. There are several ways of doing this, and one way is to use the concept of minimum efficient scale, that is the minimum scale at which a firm's average cost is close to the minimum point. For this, we will convert, we will take average cost function. So, हमें ये पता है, total cost function is C is equal to F plus CQ. Average cost कल इसका हमने derive किया था. Again, ये यहाँ पे direct दिया हुआ है. कल हमने बीच में इसमें दो तीन steps लिखे हैं notes में. And if we are saying that minimum of average cost is C dash, ये C dash होएगा, सिर्फ C लिखा हुआ है यहाँ पे. If it is C dash, so let the minimum efficient scale be the minimum scale such that average cost is equal to C dash. तो जो हमारा एवरेज कॉस्ट है ये हमारा इस सी डैश के इक्वल होना चाहिए. सो उसी को हमने सॉल्व किया है, ए सी इक्वल टू सी डैश किया है और वहां से हमने ये स्मॉल क्यू निकाला है. तो हमारा अगर स्मॉल, सपोज यहाँ पे हम लोगों का क्यू वन आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये क्यू आ रहा है, तो हम कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल, ये क्यू ये रिप्रेजेंट करता है. सो नाउ इट इज नेचुरल टू इंटरप्रेट that whenever there are changes in MES, minimum efficient scale, sorry, it is natural to interpret that there will be changes in minimum efficient scale when there will be changes in the fixed cost. Agar fixed cost increase hota hai, to hum log zyada higher degree of minimum efficient scale pe operate karenge. Kyun operate karenge? Kyunki hamara fixed cost bahut zyada hai. Aur jaise humne abhi previous equilibrium number of firms ki equation mein dekha tha, wherein n hat was equal to a minus c n plus 1 क्या था minus f something like this. So basically we said that there is an मैं निकाल लेती हूँ ऐसे रटा नहीं जाएगा. यस, तो यहाँ पे हमने ये बोला था कि हम लोगों का जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, जब ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस होते हैं. अगर इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब हम कॉम्पिटेटिव मार्केट में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम कॉम्पिटेटिव मार्केट में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग एक हायर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे जो ओलिगोपोली है या मोनोपोली है वो हमारा इस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पे ऑपरेट करेगी. तो जैसे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस करेंगे और हायर डिग्री ऑफ एमईएस पे ऑपरेट होगी वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री. Then we say an increase in fixed cost, if there is an increase in fixed cost by the factor alpha, lambda, whatever it is, it implies that there will be an increase in MES also by the same factor. Guys, is the relationship clear between the fixed cost and the MES? Is this relation clear between fixed cost and MES? Okay, again going back to this equation, we say इक्वेशन 14.3, दैट इज इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स की इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. इट सेज इट देन गिव्स द कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू एमईएस, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कॉस्ट. इन फैक्ट इफ बोथ मार्केट साइज, अगर हमारा मार्केट साइज और एमईएस दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज होता है तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स कॉन्स्टेंट रहेगा. ये तो हमने कल भी डिस्कस किया है कि अगर हमारा एमईएस जितने से इंक्रीज हो रहा है उतने से ही हमारा मार्केट साइज इंक्रीज हो रहा है, दिस एक्चुअली मींस दैट नंबर ऑफ फर्म्स विल बी इक्वल विल बी कांस्टेंट. आप लोग उस 14.3 इक्वेशन इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स इक्वेशन से देख सकते हो कि इंक्रीज इन मार्केट साइज होगा एस जो कि हमारा न्यूमरेटर में है और एफ जो कि हमारा डिनोमिनेटर में है. अगर दोनों चीजें हमारे सेम अमाउंट से इंक्रीज करेंगी तो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स कांस्टेंट रहेगा. फॉर दिस रीजन व्हेन कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज इट इज कॉमन टू कंसीडर एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मार्केट साइज डिवाइडेड बाय एमईएस, मार्केट साइज डिवाइडेड बाय एमईएस और एमईएस डिवाइडेड बाय मार्केट साइज. So we will say that when MES is greater
when MES is greater, there will be a decline in the number of firms and in turn the concentration will increase. इसको एक बार मैं इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स वाली इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो MES है, जब हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करता है तो हम लोगों का MES हायर डिग्री ऑफ MES पे ऑपरेट करेंगे. तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फर्म्स रिड्यूस होंगी. अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज किया और सेम अमाउंट से मार्केट साइज भी इंक्रीज हुआ, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ फर्म्स हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा. पर अगर हमारा इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन मार्केट साइज, इन दैट सिचुएशन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट नंबर ऑफ फर्म्स विल रिड्यूस एंड दिस मीन्स दैट कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज. सो व्हेनेवर MES इंक्रीजेस देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. Guys, are we clear with this slide? Are we clear with this slide? Sarthak, आपका बीच में शायद disconnect हो गया था. अगर आपको ये slide clear नहीं है या कुछ दोबारा से repeat करना है मुझे तो please let me know. If it is clear, please message that it's clear. Okay. So this is just last 2-3 slides. So then we have scale economies. The other way to measure the increasing returns to scale is through the coefficient of scale economies. That is, this is rho equal to AC divided by MC. So if this equation is greater than zero, जो मैंने आपको greater than one, जो मैंने आपको notes में लिखवाया है, so आपकी reading के अंदर भी ये words form में ही explained है. मैंने notes में equation wise लिखवा दिया था, equation better होती है समझने के लिए. So if this ratio is greater than one, then we can say that average cost is greater than marginal cost, which means that we are operating at the economies of scale. That is, we are operating at a higher degree of increasing returns to scale. And if this ratio is less than one, then we say that we are operating at diseconomies of scale. That is, we are operating at decreasing returns to scale and increasing cost. So it can be shown that average cost is greater than marginal cost only and only if average cost is decreasing. Therefore, economies of scale or increasing returns to scale are the same thing. Then how does market structure depend on the degree of scale economies? As with minimum efficient scale, we would expect an industry to be more concentrated if the degree of scale economies is greater or the MES is higher. मैं एक बार confirm करना चाहती हूँ कि आपको ये line clear है. As with minimum efficient scale, we would expect an industry to be more concentrated if the degree of economies, scale economies is greater or MES is higher. Is this line clear to everybody? Is this line clear to all? Bhavya, Sakshi, Ayushi, I'm not sure about you, but Yuvraj, Sarthak, Kunal, if you are there. Okay, so now we will try to find out this AC divided by MC. So rho is AC divided by MC, jo hume cost function given hai, uske basis pe hum log, Sarthak, I can see you. Is this line clear to you? Is this above line clear to you? Yes, all right. So यहाँ से हमने ये रो का इक्वेशन निकाला है, मतलब कोफिशियंट ऑफ एफिशियंट स्केल निकाला है, 1 प्लस एफ डिवाइड बाय सी क्यू. सो द इंडस्ट्री, अगेन वी आर सेइंग द सेम थिंग, द इंडस्ट्री विद ग्रेटर फिक्स्ड कॉस्ट, अ हायर फिक्स्ड कॉस्ट, हैज द ग्रेटर डिग्री ऑफ स्केल इकोनॉमीज. अगेन अगर आप ये इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फॉर्म्स की इक्वेशन कंसीडर करोगे, यहाँ पे हमने सेम चीज बोली थी कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होएगा तो हमारा नंबर ऑफ फॉर्म्स रिड्यूस होएगा, और कोफिशियंट ऑफ मिनिमम एफिशिएंट स्केल या कोफिशियंट ऑफ स्केल इकोनॉमीज में भी हम सेम चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होता है तो हम लोग हायर डिग्री ऑफ स्केल इकोनॉमीज में प्रोड्यूस करते हैं और हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है उन इंडस्ट्रीज में जहां पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर है. सो वी आर सेइंग दैट इवन दो इट कैन बी अ फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम,
even though it can be a free market equilibrium, that is, even though there is perfect competition, पर perfect competition में भी जिन industries में fixed cost ज्यादा होएगा, वहाँ पे number of firms बहुत कम होएंगी. तो एक तरीके से जो ये higher fixed cost है, ये barrier to entry act करता है free entry equilibrium में भी. मतलब किसी भी तरह की legal restriction नहीं है, किसी भी तरह का कोई पेटेंट के थ्रू मोनोपोली एक्वायर नहीं किया गया है, बस मार्केट में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है और वो फिक्स्ड कॉस्ट बहुत सारी फर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं. इस वजह से फ्री एंट्री इक्विलिब्रियम में भी ये फिक्स्ड कॉस्ट बैरियर्स टू एंट्री की तरह एक्ट करता है और हमारा कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाता है इवन दो इट इज अ फ्री एंट्री इक्विलिब्रियम. So this is what they are concluding. This is the last slide. It says, so concentration is greater the minimum efficient scale or the greater the degree of economies. Both minimum efficient scale and economies of scale are actually acting as barriers to entry. So we can conclude in a general manner that concentration is greater the higher the barriers to entry are. और यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री कौन से हैं? मिनिमम एफिशिएंट स्केल, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ये हमारा डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर. तो कॉस्ट जितनी ज्यादा होएगी, नंबर ऑफ फर्म्स उतनी ही कम होएंगी और उतनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होएगी मार्केट में, इवन दो इट कैन बी अ फ्री एंट्री मार्केट. तो बिना किसी गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो सकता है बिना मोनोपोली. मोनोपोली में तो होता है ना कि हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है. यहाँ पे कॉस्ट एज नेचुरल बैरियर्स एक्ट करने लग जाती हैं एंड द मार्केट मूव्स अवे फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जस्ट कन्फर्म एवरीथिंग इज क्लियर, देन आई जस्ट टेक द अटेंडेंस. I'll mark your attendance and you guys can have a break before your lecture. In lecture, we'll start with endogenous and exogenous costs. Okay. All right, I'm stopping the recording. Main attendance mark kar dungi aap logon ki.